मूवी में जब वो छोटा बड़ा वाला डबल मीनिंग वाला ऑकवर्ड सीन आया ना, तब पूरा थिएटर थोड़ा एम्बेरस हो गया था। सब ध्यान से देख रहे थे कि इसको हंसी आ रही है, मेरा ध्यान था बच्चों पे। अभी का रिव्यू हम करेंगे डबल एक्सएल, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव के बाद डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। एक डायलॉग है मूवी के अंदर, बॉयफ्रेंड ऋतिक जैसा चाहिए लेकिन खुद को 100 किलो का होना है। शुरुआत में ही क्लियर कर देती है मूवी की ये मोटे है, इन्हें पता है ये क्यों मोटे है, लेकिन छोटी और जजमेंटल सोच है दुनिया समाज 4 लोग जो हर बात पे बॉडी का शेप पहले देखते हैं उसके बाद काम। इस चीज को मूवी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सामने रखा है। दोनों की लाइफ झंड हो चुकी है लेकिन जैसे ही दोनों फर्स्ट हाफ में मिलते हैं, टॉयलेट वाला सीन बेस्ट सीन मूवी का। ऐसे कई सारे बेस्ट मोमेंट्स आपको फर्स्ट हाफ में देखने मिलेंगे जो आपको फील गुड का एक्सपीरियंस देंगे, आप कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन फिर सेकेंड हाफ बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉजिटिव है उमा और सोनाक्षी का जंबो कॉम्बो जोड़ी। उमा कुरेशी ने जब कहा था ना कि परमिशन लेनी चाहिए, मेरा दिल तो तभी आ गया था इन पे। लेकिन फिर मैंने फैजल खान को भी देखा, सोनाक्षी सिन्हा अपने तीखे और नोकीले एटीट्यूड के साथ बहुत परफेक्ट लग रही थी। मूवी के लिए दोनों ने अपना बॉडी वेट एक्चुअल में बढ़ाया, कोई कपड़ों के अंदर स्पंज या कुशन का यूज नहीं किया है और वो ओवरवेट इनके फेस पे भी दिख के आता है। इंटरव्यू में भी इन्होंने कहा था कि मूवी में कुछ इंसिडेंट्स इनके पर्सनल लाइफ में भी हुए। तीसरा पॉजिटिव है सरप्राइज पैकेज। जहीर इकबाल मुझे थोड़े से रणबीर कपूर जैसे लग रहे थे, थोड़े नहीं मतलब पूरे ही, उनकी आवाज भी रणबीर कपूर जैसी लगती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है बंदा इतना ओपन माइंडेड और फ्री क्यों है, उसकी एक्टिंग सब कुछ जस्टिफाई करती है। महत एक तमिल एक्टर बहुत ही अच्छे हैं, स्टार्टिंग में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और मूवी के एंड तक भी कंफ्यूज रहते हैं, जो भी हो लेकिन बंदे ने कैरेक्टर पकड़ के रखा है। लेकिन अभी तो रुको भाई, नेगेटिव की बात करते हैं। एलिफेंट इन द मूवी, टू मेनी लक फैक्टर्स। चलो एक बार बड़ा लक समझ में आता है कि टॉयलेट में दोनों मिल गए और अपनी उमा मैडम को एकदम से शॉर्ट फिल्म शूट करनी है लंदन जाके, जो एक्चुअल में उसको वही लंदन जाना था। कितने सारे लक है एक जगह पे। लेकिन फिर लंदन जाने के बाद भी कपिल पाजी के साथ इंटरव्यू, इसे कहते हैं पुअर राइटिंग। अरे यार आपने दोनों का नसीब अच्छा दिखाया, किसी को तो स्ट्रगल में दिखाते। अगर कोई जिम जा रहा है अपना मोटापा कम करने तो वो ये मूवी देख के डायरेक्ट वन लार्ज नगेट, न्यू डिप, चॉकलेट पैनकेक, वॉफल, बनाना मिल्क शेक। उमा मैडम को इतनी डीप क्रिकेट नॉलेज है कैसे आई, सोनाक्षी मैडम का फैशन सेंस इतना जबरदस्त है कैसे आया। नेगेटिव नंबर 3, मूवी खत्म होने आ रही है, सारा कंक्लूजन हो चुका है और फिर ये इसे रोमांस बनाने की कोशिश करते हैं, टिपिकल बॉलीवुड। यहाँ पर तो भाई लड़का भी हैंडसम मिल रहा है, लंदन में आ चुके हैं, शॉर्ट फिल्म भी मिल गई है, वो शॉर्ट फिल्म चाहे तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसी वजह से मैंने ऑडियंस को थिएटर छोड़ के जाते हुए देखा है। मूवी की पुअर राइटिंग और डायरेक्टर का उस पुअर राइटिंग को जस्टिफाई करना, सुबह फोन बूथ देखी उसमें भी स्क्रीन प्ले का इश्यू था। बॉलीवुड में अच्छा स्क्रीन प्ले कब आएगा यार। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत औसम है, मुझे फील गुड वाली फीलिंग आई, एक्टिंग तो चुम्मा एकदम। फैमिली के साथ बिल्कुल देख सकते हैं, इतनी भी पकाओ नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।